हेलो, वेलकम टू लॉन्च पैड एजुकेशन। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब जनता कर्फ्यू का अनाउंसमेंट किया, उसी वक्त उन्होंने एक इकोनॉमिक रिस्पांस टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की अंडर द लीडरशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमन। अब उसी इकोनॉमिक रिस्पांस टास्क फोर्स ने इंडिया के सबसे वल्नरेबल सेक्शंस के लिए एक रिलीफ पैकेज की अनाउंसमेंट की है, एंड दिस रिलीफ पैकेज हैज बीन नेम्ड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। 36 आवर्स हैव पास्ड सिंस द 21 डे लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड, और इस टाइम पे सबसे बड़ा कंसर्न था वो गरीब लोग जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, और वो हाउसहोल्ड्स जिनके पास 21 दिन तक का राशन नहीं है। सो देयर वाज अ कंसर्न दैट दीज हाउसहोल्ड्स, द फार्मर्स, द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, द बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, ये काफी क्राइसिस में आ सकते हैं। So these are the first announcements made by Finance Minister under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. ये 1,70,000 करोड़ का एक relief package है, and this includes two aspects. First one is the direct benefit transfer or the cash transfer directly to the bank accounts of the beneficiaries. Second is food security, that is खाना provide करना उन vulnerable sections को जहाँ पे खाने की कमी हो सकती है। Pradhan Mantri Garib Kalyan Scheme aims to provide support to the most vulnerable sections and those who are in the front line. This is the second category that is going to be the focus. Those people who are fighting this battle against coronavirus for all of us. The doctors, the sanitation workers, the nurses, ASHA workers, paramedics, all these people. The government is trying to make sure that no one goes hungry. Koi bhi bhookha na reh jaye in 21 dinon mein. And all these decisions have been taken by the COVID-19 Economic Response Task Force that was announced by Prime Minister Shri Narendra Modi, and that was to be led by Finance Minister Shri Nirmala Sitharaman. So let us see what all provisions have been made by Government of India. First are the provisions for the Corona Warriors, the people who are fighting this battle like doctors, nurses, sanitation workers, ASHA workers, paramedics and all other health workers. In sab ke liye insurance cover provide kiya gaya hai worth 50 lakhs. India ke alag alag hisson se ye news aa rahi hai ki kuch doctors jo coronavirus ke patients ko treat kar rahe the वो खुद पॉजिटिव पाए गए हैं। सो दैट इज अमाउंट ऑफ रिस्क दैट दे आर गोइंग थ्रू, उनकी अपनी जान को खतरा है और वो घर नहीं बैठ रहे। दैट इज वाई वी आर कॉलिंग देम द वॉरियर्स। इफ दे गो टू देयर होम्स तो काफी लोग मर जाएंगे, उनका इलाज ही नहीं हो पाएगा। सो गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड एन इंश्योरेंस कवर फॉर देम। देर आर अदर सेक्शंस विच आर वेरी वल्नरेबल, द पुअर वंस, उनके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने बहुत सारी प्रोविजंस प्रोवाइड की हैं। फर्स्ट वन इज द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो 80 करोड़ लोगों को, दैट इज 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, उनको अगले 3 महीने तक एकदम फ्री 5 kg वीट या राइस मिलेगी। सो दे कैन चूज अकॉर्डिंग टू द रीजन दैट दे आर लिविंग इन। इन द एरियाज वेयर वीट इज कंज्यूम्ड दे कैन गेट 5 kg ऑफ वीट फॉर फ्री फॉर द नेक्स्ट 3 months, और दे कैन गेट राइस। इसी के साथ 1 kg रीजनल दाल भी दी जाएगी। कुछ फैमिलीज ऑलरेडी PDS के तहत कुछ ना कुछ वीट राइस ले रही हैं सरकार से, और ये 5 kg एक्स्ट्रा दिया जाएगा ओवर एंड अबव व्हाट दे आर ऑलरेडी गेटिंग फ्रॉम द PDS शॉप्स। दिस इज टू टेक केयर ऑफ द फूड सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज द DBT और द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसमें डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन लाइक फार्मर्स, वुमेन हाउस होल्डर्स, द दिव्यांग्स, सीनियर सिटीजन, इन सबके लिए कुछ प्रोविजंस की गई हैं, उनको पैसे प्रोवाइड करने की डायरेक्टली उनके बैंक खातों में। फर्स्ट इज द फार्मर्स, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक योजना है जिसके तहत कुछ पैसे किसानों को दिए जाते हैं, और उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्रीपोन करके फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में दी जाएगी। 8,70,00,000 फार्मर्स को ₹2,000 अप्रैल के पहले हफ्ते में मिल जाएंगे, सो दैट वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सकें। नेक्स्ट प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर द मनरेगा वर्कर्स। गवर्नमेंट ने मनरेगा वर्कर्स की डेली वेज इंक्रीज करने का फैसला लिया फ्रॉम 182 rupees टू 202 rupees। इससे उनकी मंथली इनकम में ₹2,000 का इजाफा होगा, एंड दिस इज गोइंग टू बेनिफिट 5 crore फैमिलीज इन इंडिया। नाउ द कंसर्न हियर इज दैट इन दिस लॉकडाउन हाउ आर दीज वर्कर्स गोइंग टू वर्क। तो इसको रिस्पॉन्ड करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने मेंशन किया कि जो भी मनरेगा के तहत काम होगा, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हो। वी आर नॉट श्योर हाउ दिस थिंग विल वर्क आउट ऑन द ग्राउंड, बिकॉज अभी सिटीजन्स को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, तो मनरेगा के काम कैसे होंगे, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। नेक्स्ट फोकस इज ऑन द पुअर विडोज, द पुअर पेंशनर्स एंड पुअर दिव्यांग्स। दिव्यांग्स आर द डिसेबल्ड पीपल। इन सभी को गवर्नमेंट एक्स ग्रेशिया वन टाइम अमाउंट देगी ₹1,000 की, दैट इज टू बी गिवन इन 2 installments। एक्स ग्रेशिया मीन्स दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन रिटर्न, बस उनके बैंक खातों में गवर्नमेंट 2 किस्तों में ₹1,000 दे देगी, एंड दिस विल बेनिफिट 3 crore सीनियर सिटीजन इन इंडिया। नेक्स्ट आर द वुमेन विद जनधन अकाउंट्स।
प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो वुमेन अकाउंट्स खुले थे, ऐसी 20 करोड़ वुमेन अकाउंट होल्डर्स को गवर्नमेंट एक्स ग्रेशिया 500 रुपए पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स पे करेगी। नेक्स्ट The target is again on the women householders, 8 crore women who are under the Ujjwala scheme. This was a scheme under which government provided free cylinders. तो ऐसी 8 crore women householders को government अगले 3 महीने के लिए cylinders free of cost देगी. Next, the focus will be on the self-help group of women. गवर्नमेंट एक स्कीम चला रही है दीनदयाल उपाध्याय नेशनल लाइवलीहुड मिशन और उसके तहत काफी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर द कलेक्टिव्स ऑफ वुमेन हु कम टुगेदर एंड विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट दे डू सम इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो गवर्नमेंट एंड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दीनदयाल उपाध्याय नेशनल लाइवलीहुड मिशन के तहत 10 लाख तक का लोन दे रही थी, दैट वॉज टू बी कलेटरल फ्री। अब इस लोन की अमाउंट को बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। बट द क्वेश्चन हियर इज व्हेन द होल इकोनॉमी हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल, इकोनॉमी में बिल्कुल डिमांड नहीं रही है बिकॉज एवरीवन इज इन देयर होम्स, तो ऐसे में सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन कैसे काम कर पाएंगी, ये जो इंक्रीज्ड अमाउंट है इसका कैसे फायदा हो पाएगा, दिस इज नॉट क्लियर। गवर्नमेंट हैज आल्सो मेड सर्टेन अनाउंसमेंट्स फॉर द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, उनकी जो प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट पे करेगी, नॉट ओनली फॉर द एम्प्लॉयज बट ऑल्सो द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में 12% पे करते हैं, अगले 3 महीनों के लिए ये 24% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी। बट देर आर सर्टन कंडीशंस हेयर, ये उन सभी एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए होगा जहां पे 100 से कम एम्प्लॉयज हैं एंड 90% ऑफ दीज 100 एम्प्लॉयज आर अर्निंग लेस देन 15,000 अ मंथ। गवर्नमेंट के मुताबिक 18 लाख एम्प्लॉयज और 4 लाख बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को इसका फायदा होगा। नेक्स्ट अनाउंसमेंट रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर इटसेल्फ इज दैट सम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द प्रोविडेंट फंड स्कीम आर टू बी अमेंडेड, और ये रेगुलेशंस को अमेंड करके वर्कर्स को कुछ पैसे विड्रॉ करने की परमिशन दी जाएगी। And after the amendment, workers will be allowed to withdraw up to 75% of their contingency expenditure or 3 months of wages in advance, whichever is lesser. और ये करीब 5 crore organized sector workers को benefit करेगा। हालांकि 90% of workers in India are working in the unorganized sector. Next focus is on the construction workers. So there is a building and construction workers fund meant for these building and construction workers. और इस fund के साथ करीब 3.5 crore लोग registered हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शंस दी हैं कि इस फंड में पड़ा हुआ 31,000 करोड़ रुपया यूटिलाइज किया जाए। नेक्स्ट इज अ स्टेप रिलेटेड टू द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। 2015 में गवर्नमेंट ने माइंस एंड मिनरल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट को अमेंड किया एंड दैट अमेंडेड एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट इन विच माइनिंग एक्टिविटी इज हैपनिंग। तो ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड रिस्पॉन्सिबल था उस एरिया में डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड को यूटिलाइज किया जाए फॉर मेडिकल पर्पसेस, लाइक फॉर टेस्टिंग और मेडिकल स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट मेडिसिन। तो इस फंड की यूटिलाइजेशन की जाएगी फॉर मेडिकल पर्पसेस, लाइक व्हेन देयर इज अ वॉर इन अ कंट्री ऑल द रिसोर्सेज आर डाइवर्टेड फॉर द वॉर एफर्ट। सिमिलरली वी आर बैटलिंग द COVID-19 पैंडेमिक इन अ वॉर लाइक एफर्ट, सो गवर्नमेंट इज डाइवर्टिंग ऑल द रिसोर्सेज टुवर्ड्स दिस फाइट। तो 1,70,000 करोड़ के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के साथ ये सब कुछ करना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, बट देर आर सर्टन कंसर्न्स। फॉर एग्जांपल देर आर नो टैक्स एग्जेम्पशंस दैट हैज बीन अनाउंस्ड। तो इंडिया का कॉर्पोरेट सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे व्यापारी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस प्रोवाइड की जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया गया। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया गया एज इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज स्टॉप्ड, बट इन एम्प्लॉयज को अपनी EMI पेमेंट्स करनी है एंड दे आर एक्सपेक्टिंग गवर्नमेंट टू डू समथिंग इन रिगार्ड्स टू दिस, बट इट हैज नॉट बीन डन। एंड इसको एक्सप्लेन करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया दैट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गरीबों के लिए है, वो सेक्शंस जिनको इमीडिएट सपोर्ट चाहिए थी उनके लिए इस अनाउंसमेंट को किया गया, एंड फॉर अदर सेक्शंस, फॉर एग्जांपल द एविएशन सेक्टर, एयरलाइंस आर गोइंग टू गो बैंकक्रप्ट एज पर सम एस्टिमेट्स बाय मई 2020 इफ द लॉकडाउन कंटिन्यूज। बैंकिंग सेक्टर जिनके NPAs ऑलरेडी बहुत ज्यादा थे, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होने की वजह से उनके NPAs और बढ़ सकते हैं और उनका क्राइसिस और डीप हो सकता है। तो इन सभी सेक्टर्स के लिए भी गवर्नमेंट इकोनॉमिक टास्क फोर्स में डिस्कशंस कर रही है एंड इन कमिंग डेज गवर्नमेंट इज गोइंग टू मेक मोर अनाउंसमेंट्स। फॉर नाउ केयर हैज बीन टेकन रिगार्डिंग द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस। दिस वॉज अ वीडियो प्रेजेंटेड बाय लॉन्चपैड एजुकेशन। सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।